नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साल 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आते ही योगी सरकार ने सबसे पहले ऐलान किया था कि वो 100 दिनों में सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सीएम योगी के ऐलान के बाद ही लोक निर्माण विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुट गए, जिसका असर भी देखने को मिला। जिस तरह से मोदी सरकार पूरे देश में तेजी से सड़कों का निर्माण कर रही है, उसी तरह योगी सरकार ने भी प्रदेश की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया। गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चलाने वाली योगी सरकार ने अब सूबे की जनता को एक और सौगात दी है, जिससे आप खुद अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करवा सकेंगे, वो भी महज 48 घंटों के अंदर। जी हाँ, योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने अब आम नागरिक को ये ताकत दी है कि वो भी सड़क निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए आम नागरिक को निगरानी यूपी पीडब्ल्यूडी फॉर सिटीजन ऐप पर शिकायत करनी होगी। जहाँ सड़क टूटी हुई है, मोबाइल में लोकेशन ऑन करके वहाँ की तस्वीर खींच कर ऐप पर डालनी होगी। फोटो डालने के बाद ये संबंधित अभियंता के पास पहुँच जाएगी। शिकायत मिलते ही तय समय के अंदर सड़क की मरम्मत कराकर उसकी फोटो अपलोड कर दी जाएगी, जो शिकायतकर्ता तक पहुंच जाएगी। आपकी शिकायत मिलने और सड़क की मरम्मत करने के लिए 48 से 96 घंटे का समय तय किया गया है। स्टेट हाईवे और प्रमुख जिला मार्गों की सड़कों की मरम्मत महज 48 घंटों में हो जाएगी, जबकि अन्य जिला मार्गों की मरम्मत के लिए 96 घंटे का समय तय किया गया है। इन सड़कों की मरम्मत करने के लिए शासन एडवांस में धन आवंटित कर रहा है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने बताया, जहां भी नागरिकों को टूटी हुई सड़क दिखे, तत्काल वहां की फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड कर दे, समय सीमा के अंदर सड़क बनवा दी जाएगी। कैसे काम करेगा ऐप? सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको निगरानी यूपी पीडब्ल्यूडी फॉर सिटीजन ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप ओपन करते ही प्लस का निशान दिखेगा, उसे क्लिक करते ही कैमरा दिखेगा, जिससे आपको टूटी हुई सड़कों की फोटो खींचनी है। इसके बाद दो ऑप्शंस आएंगे, रीट्राई और ओके। अगर फोटो सही नहीं आई है तो रीट्राई कर दोबारा फोटो खींचे, और अगर फोटो सही है तो ओके का बटन दबाएं। जैसे ही ओके करेंगे, इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करते ही फोटो डेट टाइम और लोकेशन के साथ ऐप पर अपलोड हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया करते वक्त सबसे पहले लोकेशन जरूर ऑन रखें, क्योंकि लोकेशन ऑन होने के बाद ही जीपीएस के जरिए आपकी शिकायत संबंधित अभियंता तक पहुंच सकेगी। गांव की सड़कों की मरम्मत की बात करें तो इसके लिए पहले बजट बनेगा, जिसके स्वीकृत होने के बाद सड़क की मरम्मत या निर्माण होगी। इसीलिए इनकी समय सीमा तय नहीं की गई है। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया पर जोर देती रही है, ऐसे में योगी सरकार ने आम आदमी को अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत खुद कराने की ताकत देकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। ऑनलाइन इस सुविधा का फायदा उठाकर आप किसी भी वक्त सीधे सरकार से शिकायत कर सकते हैं। आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आप ई पाठशाला, एम परिवहन ऐप, जीएसटी रेट फाइंडर, उमंग ऐप, इनक्रेडिबल इंडिया, एम पासपोर्ट, एम आधार, पोस्ट इन्फो, इंडियन पुलिस ऑन कॉल ऐप, ये 10 सरकारी ऐप हैं जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके काफी काम आ सकती है।